शेयर बाजार में उथल पुथल मची हुई है। दो दिन की गिरावट के बाद आज एक बार फिर शेयर बाजार में रौनक दिखाई दी। विदेशों से मिले सकारात्मक संकेतों के बीच सेंसेक्स 239 अंक और निफ्टी 67 अंकों की मजबूती के साथ बंद हुआ। पिछले कुछ दिनों की तरह आज भी सेंसेक्स की शुरुआत हरे निशान से ही हुई। सेंसेक्स 30 अंकों की बढ़त में 38,731 अंक पर खुला, लेकिन जल्द ही ये लाल निशान में चला गया। दोपहर के समय सेंसेक्स दिन के निचले स्तर 38,599 अंक पर पहुंचा, लेकिन इसके बाद इसमें रिकवरी शुरू हुई। ऑटो और बैंकिंग कंपनियों की मजबूती के सहारे सेंसेक्स 38,979 अंक के दिन के उच्च स्तर तक पहुंच गया, लेकिन फिर इसमें थोड़ी गिरावट आई और ये कल के मुकाबले 239 अंकों की बढ़त के साथ 38,939 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स से 30 में से 25 कंपनियों के शेयर हरे निशान में रहे। सेंसेक्स में यस बैंक के शेयरों में सबसे ज्यादा 4% की तेजी रही, जबकि एशियन पेंट्स के शेयरों को 3.5% का नुकसान हुआ। बीएसई के 20 सेक्टरों में से 18 में तेजी रही। गिरावट वाले सेक्टर में दूर संचार में सबसे ज्यादा 0.83% की गिरावट देखी गई, जबकि रियल्टी सेक्टर में सबसे ज्यादा 1.40% की तेजी रही। दूसरी ओर निफ्टी भी 8 अंक जड़कर 11,612 अंक पर खुला। कारोबार के दौरान ये 11,570 अंक के दिन के निचले स्तर और 11,884 अंक के उच्च स्तर तक पहुंचा। बाद में कल के मुकाबले 67 अंकों की बढ़त में 11,672 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी की 50 कंपनियों में से 37 हरे निशान में और शेष 13 लाल निशान में रही। वैश्विक स्तर पर भी अधिकतर प्रमुख शेयर बाजारों में तेजी रही। एशिया में दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.13%, जापान का निक्की 0.19% और हांगकांग का हैंगसेंग 0.27% की बढ़त में बंद हुआ। चीन का शंघाई कंपोजिट 0.16% में लुढ़क गया। यूरोप में शुरुआती बाजार में जर्मनी का टैक्स 0.15% और ब्रिटेन का FTSE 0.28% मजबूत रहा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।